जिले भर की मितानिनों के प्रतिनिधि मंडल ने गुरुवार को अपने बकाया मानदेय के भुगतान को लेकर दुर्ग जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात। आज जन स्वास्थ्य को दुरुस्त रखने में मितानिन बहनों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकर जचकी करवाने तक एवं शिशुओं के टीकाकरण में भी इनका अहम योगदान देखा जाता है। बावजूद इसके यह मितानिन बहनें शासन की तरफ से मिलने वाले मानदेय के लिए दर दर भटकती नजर आती हैं। गुरुवार को जिले की मितानिन बहनों के प्रतिनिधि मंडल ने दुर्ग जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी से मुलाकात की और अपने बकाया मानदेय का जल्द भुगतान करने की मांग की। अब तक मितानिन बहनों के 2 से 3 माह का मानदेय शासन के पास बकाया है, जिसके लिए कई बार यह बहनें मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास गुहार लगा चुकी हैं। गुरुवार को एक बार पुनः मितानिन बहनों ने अपने बकाया मानदेय की मांग करते हुए दुर्ग जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जैसे ही शासन की तरफ से आपका पैसा आएगा आपको दे दिया जाएगा। मितानिन लोग मानदेय के लिए एक्स्ट्रा मानदेय जो मिलता है टीकाकरण वगैरह में, तो पहले क्या है, शुरू में जो आया था 1 महीना सबको दे दिया गया है। अब शासन की ओर से पैसा आ नहीं रहा है, तो जब आएगा उनको मिल जाएगा। हम लोगों ने उसके लिए राज्य स्तर को पत्र भी लिखा है, तो ये सभी जगह का है, पूरे प्रदेश में ये समस्या है। मितानिन बहनें पूरी निष्ठा और कर्तव्य के साथ अपने कार्यों को अंजाम देती है और ऐसे में 2 से 3 महीने तक इन्हें मानदेय न मिलना समझ से परे है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है, जिससे इन मितानिन बहनों के कार्यों में कोई कमी ना आ पाए। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।